अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज आपको ज़रा मुख्तलिफ लग रहा होगा मेरा सेट बिकॉज आई एम लाइव फ्रॉम आर इस्लामाबाद स्टूडियोज़। मैं आपको बताऊं कि फरवरी से लेके अभी तक आई डिड नॉट ट्रैवल, जो कि मेरे हिसाब से बड़ा ही मुख्तलिफ एक्सपीरियंस था बिकॉज आई कैन टेल यू के सूरत हाल काफ़ी मुश्किल लग रही थी, काफ़ी गंभीर लग रही थी। होता ये था कि आप घर में बैठे हुए हैं और काफ़ी लोग, पहले तो शुरू में आप समझ सकते हैं कि हम जब स्मार्ट लॉकडाउन में थे तो फ़्लाइट्स भी नहीं थी, लेकिन इस वक्त मेरी जो पहली फ़्लाइट यानी कल मैं जब यहाँ पे आई हूँ इस्लामाबाद, आई कैन टेल यू इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। जो जिन लोगों ने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है पोस्ट पेंडेमिक, आपको तो काफ़ी झटका लगने का इम्कान है क्योंकि दुनिया वाकई बदल गई है। कराची एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा सख्ती थी, बट इनसाइड दी एयरपोर्ट यानी आपको तमाम SOPs फॉलो करने थे। हमारी जो फ़्लाइट्स थी, आई फ्लू बाई सरीन, मैं आपको बता सकती हूँ कि बीच में एक जो मुसाफिर सीट थी उसको एम्प्टी छोड़ा गया और ये बड़ा अहम था। आपको कोई फूड सर्विस नहीं होती, आपको पानी की बॉटल दी जाती है और कहा यह जाता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि थ्रू आउट द फ्लाइट आपने अपना मास्क लगा के रखना है। अगर आप ग्लव्स पहनते हैं दैट्स ग्रेट, अदरवाइज चेक इन के वक्त आपको हैंड सैनिटाइजर भी दिया जाता है। इसके अलावा क्या तब्दीली आई है कि जो हमारा रिवायती अंदाज होता था कि जैसे ही फ़्लाइट लैंड करती थी, अभी बाकायदा प्लेन बस मेरे ख्याल में उसने टच डाउन ही किया है रनवे पर और वो टैक्सी ही कर रहा है तो लोगों के फ़ोन बजने लगते थे, लोग खड़े होकर अपना सामान इकट्ठा करने लगते थे। बारहा जो हमारा क्रू था उसको बार बार कहना पड़ता था खुदा के वास्ते बैठ जाइए, अब थोड़ी देर के बाद होगा। अब मेरे ख्याल में पीपल हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, एयरलाइंस मेक श्योर करती हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, तो एक के बाद एक आपने उठना होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो, सिर्फ पहला मुसाफिर उठ के अपना सामान इकट्ठा करता है, दे गेट आउट ऑफ द प्लेन और उसके बाद अगले की बारी आती है। आई थिंक डिसिप्लिन ज़्यादा आ गया है, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँची तो वहाँ पे एक जम गफ़ीर मुझे नज़र आया। पहले मुझे लगा कि पता नहीं कोई ख़ास शख्सियत आ रही है जिसके इस्तकबाल के लिए सब पहुँचे हैं, लेकिन पता ये चला कि इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए लोग उसी तरह जॉक दर जॉक अपनी फैमिलीज़ के साथ एक तरह से साथ मिलकर आके उनको रिसीव करते हैं, विच यू नो इज़ कम्प्लीटली डिफीटिंग द पर्पज़। लेकिन इसके अलावा जहाँ तक मुमकिन हो पा रहा है, ऑर्गनाइजेशंस, एयरलाइंस, एयरपोर्ट का अमला इसको पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो था जी मेरा पहला सफ़र सिंस द कोविड और मैंने कहा कि आपसे ज़रूर शेयर करूं। आज और कल मेरा जो प्रोग्राम होगा वो हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आपको दिखाते हैं कि आज क्या कुछ है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, हम बड़ा रेगुलरली कराची का इशू उठा रहे हैं और उस पर जो हमारे सोशल्स पे ऑन माई फेसबुक, माई ट्विटर, ऑन यूट्यूब जब भी हम इन क्लिप्स को शेयर करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा फीडबैक आ रही है, यू रियली लाइकिंग इट। आई थिंक कि अब सूरत हाल हम देख सकते हैं कि कल एक्सपेक्टेड है बड़ों की मीटिंग, तमाम जमातों की जो आला क़्यादत है वो कराची में इकट्ठा हो रही है और कराची के चैलेंजेस का जिक्र किया जा रहा है। वी नो फॉर अ फैक्ट कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पे स्टेक है, लेकिन बड़ी पार्टीज़ यानी PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, देखना यह है कि वो सर जोड़ कर बैठेंगे तो क्या होगा। जहाँ हम कराची के मसाइल का जिक्र करते हैं, वहाँ सबसे अहम मसला या सबसे की मसाइल में से एक मसला के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस को गर्दाना चाहता है। इस दफ़ा लोगों के पास काफ़ी हद तक उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लोग ये समझ पाए थे कि जो अंडरग्राउंड वायरिंग है जहाँ जहाँ या फिर पोल्स हैं, अगर एक जगह पानी इकट्ठा हुआ हुआ है और शहर की इंतज़ामिया ने, ज़िलाई इंतज़ामिया ने अगर वो पानी हटाया नहीं है तो शायद कई के लिए मुश्किल था कि वो आप लोगों को बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी ओवर बिलिंग का मामला है वो बार बार तनकीद का निशाना बनता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस हवाले से कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि जो आला हुकाम हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में इस मामले को उठाया गया था, लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि ग्राउंड रियलिटी उसके बिल्कुल बरक्स है। ओवर बिलिंग के मामले पे हमने तैयार की है एक रिपोर्ट जस्ट टू अपडेट यू ऑन द रीसेंट सिनेरियो, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। थोड़ी ऐसा लगता है सुनवाई नहीं है कराची वालों की, जिन मसाइल का को हाईलाइट किया जाता है उनके हल के बजाय कुछ और ऐसे ऐलानात हो जाते हैं कि हम और ज़्यादा बेबस नज़र आते हैं। आपको हमने बताया था कि हालिया बारिशों में जो वल्नरेबिलिटी कराची की एक्सपोज हुई उससे ये बड़ा साफ जाहिर है कि जो नाले थे, जो ड्रेन्स थे, उनको मज़ीद अपग्रेड करने की, उनको फाल बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ उनकी सफाई का मामला नहीं है बल्कि उनके इर्द गिर्द होने वाली तजावजात यानी उनके इर्द गिर्द होने वाली इंक्रोचमेंट्स को भी ख़त्म करना पड़ेगा। जब हम इस पर बात कर रहे थे हमारे सामने आया कि द नंबर्स आर स्टार्टलिंग, ये पिछले 30 से 35 सालों
शहरों में होने वाली ज्यादती की वजह से, और ज्यादती मेरे ख्याल में सिर्फ शहर के साथ नहीं है बल्कि उन लोगों के साथ भी है जिनको ये इंक्रोचमेंट वाली ज़मीनों पर घर दिए गए, बिकॉज़ उन्होंने अपने रुपये पैसे अपनी जमा पूंजी को खर्च करके ये घर लिया और अब एक नस्ल तकरीबन इन घरों में जवान हो चुकी है। एक अंदाज़े के मुताबिक कहा जाता है इन इंक्रोचमेंट्स के घरों को अगर देखें तो 10 से 12 लाख घर हैं ये, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आबादी की तो तकरीबन 50 से 60 लाख बंदा इन घरों में रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंक्रोचमेंट्स के लिए कोई भी ऑपरेशन किया जाता है और इन तजावुजात को हटाया जाता है, आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की जहाँ रिहाइश है उसी के करीब करीब इनका ज़रिया आमदन भी होगा, इनकी कामकाज भी होगा, तो इनको मूव करना, रीलोकेट करना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। और वो किस तरह अंजाम देंगे विदाउट यू नो आपकी अपनी पॉपुलैरिटी को ख़त्म किए हुए, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोगों के वोट्स भी हैं, वोट बैंक के कतए नज़र शहरियों की मुश्किलात को बढ़ाना और उनको मैनेज करना, उनके परसेप्शन को मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। इसमें क्या ज़रूरी ऐलानात हुए हैं, क्या इसमें कोई पेशरफ्त है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कराची तजावुजात की कहानी फिर वहीं से शुरू जहां फरवरी 2018 में खत्म हुई थी। फिर बारिश, फिर वही तबाही, नकासी आपका मसला, और फिर नालों पर तजावुजात की बाजगश्त। सूरत हाल गोया हर बारिश के बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सीन का रिएक्शन। नालों की सफाई के लिए फिर अदालती हुकुम आया, सिंध हुकूमत की फुर्तियां देखने में आई और प्याला होटल पर वाके नाले के एतराफ में एक नुमाइशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बरसाती नालों पर तजावुजात की कहानी तकरीबन 40 साल पुरानी। जब नालों पर कब्जे करवाए गए, एमकेएम बिला गैर शिरकत शहर में ताकत का मरकज रही। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने बहती गंगा में हाथ धोए, औरंगी से करंगी तक नालों पर तजावुजात कायम करवाए गए। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहे, कयूबाबाद पर आबादी और फेज एड आबाद कराकर समंदर में नकासी आपको रोका। जिसका हाल हालिया बारिश में डिफेंस डूबने के हवलनाक मनाजिर से बखूबी लगाया। नवंबर 2018 को पहली मरतबा जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची के नालों से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दिया। मेयर कराची और सिंध हुकूमत की हाजिरियां लगी, लेकिन एम्प्रेस मार्केट और चंद तजावुजात के खात्मे के बाद फिर लंबी खामोशी। बारिश के बाद अब फिर ऑपरेशन शुरू, ना कोई प्लानिंग, ना कोई तरीकेकार, ना नोटिस, बस चल सो चल। शहरियों का कहना है कि नालों की सफाई के लिए फाइनेंस की कमी है या हुकूमती विल की। नालों की सफाई का नुमाइशी काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी, जिस तरह के बहुत सारे तज्जियों में कहा जा रहा है, क्या ये एक और सिर्फ एक यू नो लफ्जी जमा खर्च है या वाकई इस दफ़ा हम कोई तब्दीली देखेंगे, बड़ों की मीटिंग से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि उस मशावरती यानी उस मुज़ाकरात में आने से पहले सियासी जमातें क्या सोच रही होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और PTI का जो इस पर मौक़िफ़ रहा है, इसमें एक बड़ी अहम जो नुक्ता है वो ये नहीं होना चाहिए कि विफाक की तरफ से कोई डायरेक्टिव्स आ रही हैं। CM सिंध मुराद शाह साहब ने इसको बड़ा क्लियरली कहा है कि जी आप बेशक हमारी इमदाद करें, हंगामी बुनियादों पे हमें वसाइल दें, लेकिन इख्तियारात की जंग नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ और मौजूदात पे बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा 10 बजे का डिस्कशन इसी हवाले से होगा। और लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज आई एम इन माई इस्लामाबाद स्टूडियोज जहाँ पे कॉफ़ी भी मिली हुई है बड़ी ज़बरदस्त सी. वेदर बहुत अच्छा है. आई होप कि कराची में भी हम जब बारिशों को इन्जॉय कर रहे थे साथ साथ हमने देखा कि और भी चीज़ें हमारे सामने आने लग गई थी, जैसे कि ये मसाइल जिनका हल की तरफ हम काम कर रहे हैं. लेकिन नेचर से आप जनरली जब करीब होते हैं, और मैं यहाँ पर नोटिस कर रही थी, लोगों ने उस तरह एन्जाइटी को भी नहीं लिया है और दूसरे मसाइल भी उनके सामने नहीं आए हैं बिकॉज दे आर सो कनेक्टेड टू नेचर. यहाँ पे आपको ग्रीनरी सब्ज़ा नज़र आता है, पहाड़ियाँ नज़र आती हैं. लोगों ने कहा कि जब हम अपने घरों में भी महसूर थे और लोगों से नहीं मिलना था, एटलीस्ट यू कुड टेक अ वॉक. आप ट्रैकिंग पे जा सकते थे, आप वॉक कर सकते थे, और इससे आपकी सेहत पे और आपकी इमोशनल वेलबींग पे बहुत फ़र्क पड़ता है. जब हम इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं, एक बड़ा आजकल जिसका फैड है, दैट इज़ अबाउट होलिस्टिक लिविंग, जिसमें कहा जाता है कि ना सिर्फ आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी की, अपने जज्बात या इमोशंस का ख्याल रखें, बल्कि इसके साथ साथ आप अपनी स्पिरिचुअल बीइंग का भी ख्याल रखें. और अगर आप ये करते हैं तो यू विल रियलाइज़ कि इंसानी जिस्म, इंसानी बॉडी, अल्लाह ताला की इस खलकत में ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने किसी भी बीमारी को, किसी भी तकलीफ़ को ख़ुद ही हील कर सके. दैट इज़ द एसेंस ऑफ होलिस्टिक लिविंग. और आज ज़रा इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑन होलिस्टिक साइंसेज एंड होलिस्टिक लिविंग प्रैक्टिसेस. हमारे साथ हैं जी ज़हरा ज़ाहिद. अस्सलाम वालेकुम ज़हरा. वालेकुम सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल हैं आपके? एंड यू नो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर कॉन्वर्जेशन टुडे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ इन होलिस्टिक लिविंग. और आज हमने सोचा कि लोगों के लिए इसको आम फहम बनाएं और बताएं कि दरअसल होलिस्टिक लिविंग, या जिसको हम कहते हैं कि नेचुरल रेमेडीज़, ऑर्गेनिक तरीके, हर्बल रेमेडीज़, इनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं. लेकिन सबसे पहले ज़हरा, हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन होलिस्टिक लिविंग? जी, थोड़ी सी आवाज़ मुझे ज़रा. आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है. बीच में जी ज़रा, मैं पूछ रही थी कि आपका खुद कैसे इंटरेस्ट शुरू हुआ? हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन होलिस्टिक लिविंग? सिद्रा, ये आप सही कह रही हैं. होलिस्टिक लिविंग एंड नेचुरल वे ऑफ लिविंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. और मेरा खुद का इंटरेस्ट इसमें इस तरह से पड़ा, आप कह सकती हैं कि बचपन से ही, जैसे मैं नेचुरली इंक्लाइंड थी, यू नो, हर किसी की नेचुरल इंक्लिनेशन होती है टुवर्ड्स समथिंग. आप कहीं ग्रेविटेट करते हो नेचुरली. तो मुझे थोड़ा आई यूज़ टू फील के बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव चीज़ों के अलावा अगर थोड़ा नेचुरल तरीके से कोई चीज़ को हैंडल किया जाए तो आई थिंक वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी है, मुझे ऐसा लगता था. और बस आस्ते आस्ते मैं इसके तरफ माइल होती गई और फिर वो मेरा एक लिविंग का वो बन गया. अच्छा, वी वुड लाइक टू डिस्टिंग्विश मेरे व्यूअर्स के लिए कि हम सिर्फ यहाँ पे नेचुरल हर्बल थेरेपीज़ या फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए किसी काम की बात नहीं कर रहे. हम कह रहे हैं कि ओवरऑल जो ज़िंदगी का नज़रिया है उसको ज़रा मशीनी ना बनाया जाए ज़्यादा. उसमें यू नो फौरी तौर पर इलाज मुआलजा जो कि एलोपैथिक चीज़ों के ज़रिए होता है, उसके बजाय रूट की तरफ जाना चाहिए. मिसाल के तौर पर हम ये मानते हैं कि बॉडी में अगर कहीं पर भी कोई मर्ज़ आता है, कोई तकलीफ़ आती है, तो वो कोई ना कोई ऐसे इमोशंस हैं, कोई ना कोई ऐसा ज़हनी आपके ऊपर दबाव है जिसको आपने बहुत अरसे इग्नोर किया है. तो आपकी बॉडी आपसे कम्युनिकेट कर रही है, आपको बता रही है कि इस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं. ज़रा, क्या आप ये मानती हैं कि कहा जाता है कि जिस्म के जिस हिस्से में आपको तकलीफ़ हो रही है उसके अलग अलग माइंड, अगर हम देखें हमारे नेक मसल सबसे पहले टेंस्ड होते हैं और सबसे आखिर में रिलैक्स होते हैं. तो जब भी आप अपने आप को किसी सिचुएशन में अनसपोर्टेड पाएंगे, अनहर्ड पाएंगे कि आपकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, आपकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही, तो आपकी गर्दन में तकलीफ़ होगी. क्या इस तरह हमारी बॉडी का हर हिस्सा हमसे कम्युनिकेट करता है? ये कह रही हैं, बेसिकली होता ये है कि सबसे पहले जो है, अगर कोई एलिमेंट है तो उसका हमें देखना चाहिए, जैसे आपने बिल्कुल सही समझा, कि उसकी रूट कॉज क्या है. अक्सर औकात क्या होता है कि मिसाल के तौर पे डार्क सर्कल्स, कोई मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे बहुत डार्क सर्कल्स हो रहे हैं. अब उनसे मैं पहला सवाल ये करती हूँ, क्या आप सो रही हैं और क्या आपकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है 8 to 10 ग्लासेस अ डे आप पी रही हैं? आर यू स्लीपिंग 8 hours अ डे? एंड देन उसके बाद मैं आपको कोई क्रीम सजेस्ट करूँगी. लेकिन अक्सर औकात पता चलता है वो वहीं चुप हो जाते हैं
हैं, बिकॉज बात ये होती है कि उन्होंने वो बेसिक चीज़ें ही नहीं की होती जिसके बाद हम फिर अपनी ब्यूटी को या स्किन केयर को या हेल्थ को और एक लेवल पे आगे लेके जाएं थ्रू क्रीम्स और मेडिसिंस और अदर थिंग्स. इसी तरह से ज़रूरी है कि एक्सरसाइज. जी बोलो जी. मैं कही थी कि टॉपिकल चीज़ों की तरफ हमारा रुझान बहुत जाता है. मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि अगर आप किसी भी सैलून में जाएं, वहाँ कोई ना कोई क्लाइंट थेरेपिस्ट से ज़रूर ये कंप्लेन कर रहा होता है कि जी मेरी स्किन आजकल बहुत ड्राई है, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, तो आप मुझे कोई ट्रीटमेंट कर दीजिए. लेकिन सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट, जैसे ज़हरा ने कहा, कि नींद पूरी कीजिए, आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए. लेकिन ज़हरा, एक सवाल आपके लिए आया है. बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पर बड़े शहरों में रहने वाले लोग, कहते कि जी हमारे सोने के औकात रेगुलर नहीं हैं, हम रोज़ 8 घंटे की नींद नहीं कर पाते, वीकेंड पे थोड़ा सा देर तक सो के, एक ऐसा कहते हैं ना, जैसे अकाउंट्स का खाता होता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. अगर हम रोज़ 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो उसके हमारी लाइफ पे क्या असरात पड़ते हैं? बिल्कुल. देखिए, अगर आपका एक जो होना चाहिए प्रॉपर आपकी डाइट नहीं है, प्रॉपर आपकी नींद नहीं है, तो उसके बहुत बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेल्थ के ऊपर. अगर आप सिर्फ वीकेंड पे सो रही हैं या सो रहे हैं, ठीक है, आपकी एक बेसिक आपको ऐसे फील हो रहा है कि रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही है, लेकिन आपका जो बॉडी का जो साइकिल है, जो क्लॉक है, वो तब भी डिस्टर्ब हो रहा है और आपकी जो हेल्थ के जो पीक लेवल्स है वो मेंटेन उस तरह से नहीं हो पाएंगे जिस तरह से कि होते अगर कि आप डेली अपने 8 आवर्स कंप्लीट करते. तो ये थोड़े से एक ट्रिकी सिचुएशन है. यहाँ आप वो कितनी चीज़ें हैं जो अपने आप को थोड़ा फोर्स करके या अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से आपने उसे मोल्ड करना है. इट्स हार्ड, लेकिन इट्स पॉसिबल कि आपने अपनी नींद पूरी लेनी है, बिकॉज उसके इल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि पहले तो आपका मूड ख़राब रहेगा, दूसरा ये है कि अगर आपको रेम स्लीप होती है, जो कि हमें मिलती है स्पेशली 2 to 4 AM, ये बिल्कुल रात का वक्त है. अब जिस शख्स ने वो टाइम मिस कर दिया, तो यानी उसने डीप स्लीप का टाइम जो है वो मिस कर दिया है, उसका मतलब ये है कि आप टायर्ड रहोगे, या जो आपकी जो पीक लेवल है ना डे में, या जिस जो आप कहना चाहिए पीक परफॉर्मेंस आपकी है, बिल्कुल आप फ्रेश फील करके हर चीज़ करेंगे, वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे बनिस्बत इसके कि अगर आप ये टाइम वेरी क्विकली. ज़हरा, बिकॉज लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ आवर सेगमेंट, मुझे बताइए, एक बड़ा कॉमन सवाल आया है और मेरे ख्याल में लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन रहती है अगर आप उनको कहें कि अगर आपने होलिस्टिक लिविंग के इन प्रैक्टिसेस को अपनाया तो आपका एजिंग का अमल, जो आप बुढ़ापे की तरफ तेज़ी से गामजन हैं, वो स्लो डाउन हो जाता है. आप ज़्यादा अरसे तक अपने अंदर एनर्जी फील करेंगे अपने आप को, आपकी अपेयरेंस भी ज़्यादा यूथफुल नज़र आएगी. तो उसके लिए अगर कोई एक टिप आप देना चाहें लोगों को कि ये ज़रूर उनको करना चाहिए, व्हाट वुड दैट बी? उसमें वैसे काफ़ी सारी चीज़ें, क्विकली आई विल टेल यू. एक तो विटामिन सी आप इंटरनली भी खाएं और स्किन पे उसकी सीरम्स लगा सकते हैं आप. विटामिन सी की बहुत सारी मिलती हैं, इसके अलावा रेटिनॉल की क्रीम्स मिलती हैं, वो भी आप फेस पे लगा सकते हैं. दैट्स ऑल्सो डॉक्टर्स के पास आप जाके लिखा सकते हैं या एनी गुड ब्यूटिशन से भी लिखा सकते हैं, वेरी स्लाइट फॉर्मूला में वो मिलता है. और हेल्थ वाइज आपने सारे डाइट की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, डेयरी, एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वाटर, ये सब आपने कवर करना है. एंड ऑफ कोर्स इसमें से कोई चीज़ से आप एलर्जी ना हो, ये नोट कर लें. बट इसके अलावा आपने एक प्रॉपर डाइट और एक प्रॉपर नींद, अपनी जो बेसिक बोला जाता है ना बचपन से हमें, वो चीज़ अगर आप करेंगे और साथ में आप अपनी स्किन का केयर करेंगे एंड फेशियल्स लेंगे जिसमें मसाज होता है, तो एक मसाज का जो बेनिफिट होता है स्किन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, वो सेंचुरीज ओल्ड है. और उसको बिल्कुल आप एवरी मंथ अपने उसमें डालें, तो उसके बाद आप एब्सोल्युटली उसको अपने स्केड्यूल का हिस्सा बनाएं. बिल्कुल. ज़हरा, थैंक यू सो मच. और ये मेरे ख्याल में आपने बड़ा अच्छी बात हाईलाइट की है कि ये एज ओल्ड हमारी रेमेडीज थी, लेकिन हम इनको भूलते चले जा रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. अच्छा जी, आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सबसे करनी थी कि नई चीज़ें सीखना, नई लर्निंग्स को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी होती है. ये तमाम बातें जो हम आपसे कह रहे हैं, इसमें एज ओल्ड विजडम भी शामिल है, लेकिन अब आप
आज की जिंदगी में मशीनी में इन चीज़ों को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उसके आइडियाज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप लोगों ने हाल ही में जैज़ का नया ऐड तो देखा होगा। अब जो ये इंटरनेट एक्सेस है यानी सुपर 4G अगर आपको जैज़ देता है, यू आर इन सो मैनी न्यू थिंग्स, यानी इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, आप अपने घर की डेकोरेशन के लिए कोई इंस्पिरेशन ले सकती हैं, कोई नई डिश को ट्राई कर सकती हैं, या फिर अगर आपने नहीं सोचा था अपने घर की देखभाल करने का तरीका। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि एक खातून जो रीजॉइन कर रही थी अपना काम आफ्टर हैविंग अ बेबी, उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया। एक तो वो अपने घर को रियल टाइम चेक कर सकती हैं थ्रू दीज कैमराज, इसके अलावा नेट नानी उन्होंने इंस्टॉल की हुई है तो वो अपने बेबी को भी देख सकती हैं। सो देर आर सो मेनी न्यू वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आई रियली लाइक द जैज़ का न्यू ऐड, आप भी ट्राई कीजिए, और अगर एक्सेस नहीं है टू ट्राई द पैकेज इज वेल। सुपर 4G का पैकेज कैन ओपन दिस न्यू वर्ल्ड फॉर यू ऑल टुगेदर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, तब करते हैं माहौलियाती तब्दीली की। पूरी दुनिया में जो लीडर्स हैं उनको मुख्तलिफ एडवोकेसी ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी बारहा ये कह रही है कि माहौलियाती तब्दीली के बाद हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है, हमारा जो रेस्क्यू एंड रिलीफ है, उसको दोबारा रिविज़िट करने की अशद ज़रूरत है। वरना जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते उस तरह का जब चेंज आता है, मिसाल के तौर पर कराची में हम देखते हैं हीट वेव आई, हालिया बरसातें ने बहुत ज़्यादा दबाकारी मचाई, लेकिन इसके के अलावा भी पूरे मुल्क में आप इस तरह के चेंजेस महसूस कर सकते हैं। यूएन की कई रिपोर्ट्स के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली से इफ़ेक्ट होने वाले ममालिक में पाकिस्तान का नंबर काफ़ी आगे है, यानी ये तब्दीली हम बहुत गहरे अंदाज में अपने माशरे में अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे। और हालिया बारिशों में ना सिर्फ सिंध का सूबा और पंजाब के कई मकाम पर इसका इफ़ेक्ट हमने देखा, बल्कि KP में भी इसकी तबाहकारियाँ जारी हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के हालिया बारिशों के बाद KP के मुख्तलिफ अजला में क्या सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी, 16 अफराद जान बहक, खवातीन और बच्चों समेत 31 अफराद जख्मी हुए। सैलाब और बारिश से 83 मकानात को जज्वी जबकि 11 मकानात को मुकम्मल नुकसान पहुँचा। मुतअद्दिद राबता पुल फिश फार्म सैलाब की नजर। दीर बाला, स्वात, नौशेरा और चारसद्दा के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जबकि मुसलसल बारिशों के बायस खानपुर डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। डैम से अजाफी पानी के अखराज के लिए स्पिल वेज खोल दिए गए हैं। जिले बटग्राम में बारिश से अब तक 2 बच्चिया जान बहक जबकि 1 खातून जख्मी हो गई। लैंड स्लाइडिंग से लैंड सड़कें बंद हो गई जबकि कई जगहों पर तोदे गिरने से मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। तकरीबन 15-20 तक मकानात और पूरी एरिया में तकरीबन 45 तक मकानात तबाह हो गए। 300-400 के करीब लोग मेरे ख्याल में बेघर हो चुके होंगे। ये गाँव पूरा डूब गया था सैलाब में, तो अभी तक महकमे की तरफ से कोई आदमी इधर नहीं आया, हमारा किसी ने खबर नहीं लिया अभी तक, और पानी बढ़ता जा रहा है। लैंड स्लाइडिंग से वाटर सप्लाई स्कीमें शदीद मुतासर होने से पानी की किल्लत पैदा हो गई है, जबकि दरियाई काबल में सैलाबी रेले से दरिया के नज़दीक नशीबे इलाके जेर आब आ गए हैं। शहबुद्दीन, आज न्यूज़, पेशावर। जी, आप देख सकते हैं कि एक अलमिया है जी कि पहले हम बात करते थे पानी की किल्लत के हवाले से, लेकिन अब जब इतनी शदीद नौयत की बरसात हो रही है, इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास डैम्स नहीं हैं, रिजर्वॉयर्स नहीं हैं और इसको हार्वेस्ट करने के बजाय ये तमाम पानी ज़ाया हो जाएगा। जिस तरह के हम बात करते हैं कि 3 R's बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसी सिचुएशन में, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में हमें अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करना पड़ता है कि पूरा का पूरा तर्ज ज़िंदगी हमारा मुख्तलिफ हो जाए और हम इन हालात से कुछ सीखें और अपने आप को अडाप्ट करें। लेकिन बहरहाल जी, पहले रेस्क्यू एंड रिलीफ की ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साकिब रसा असलम साहब, आप डिप्टी कमिश्नर हैं सवात के, मशहूर सयाही मुकाम है। इस वक्त हमने देखा कि मुल्क के बहुत सारे लोगों ने इस तरफ रुख किया, नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख किया, लेकिन अब बरसात के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। आइए इनसे जानते हैं कि ताज़ा तरीन इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी मशहूर टूरिस्ट स्पॉट भी है, लोकल आबादी भी, मकामी आबादी भी हमारे लिए बहुत अहम है, यकीनन पाकिस्तान का एक खूबसूरत हिस्सा। इस वक्त क्या सूरत हाल है सवात की इस बरसात के बाद? जी अभी तो पानी काफी हद तक, जो पिछला सैलाबी रेला था, जो कल और परसों की बारिश थी, वो तो गुजर चुका है। इस वक्त दरियाओं में इस लो लेवल फ्लड है, वो जो हाई लेवल फ्लड था वो खत्म हो गया है, वो रिसीड हो चुका है। लेकिन अभी फिर दोबारा बारिश शुरू हो गई है और पिछले 12 आवर से कंटिन्यूस बारिश लगी हुई है जी। क्या कहेंगे साकिब साहब के अहम नुक्ता उठाया जाता है कि ये हमारे अहम टूरिस्ट पॉइंट्स भी हैं, यहाँ पे जब लोग जाते हैं उनको भी ये खदशा ना हो कि वहाँ पे फंस जाएं, मकामी लोगों की भी सेफ्टी हमारे लिए बड़ी अहम है। इस दफ़ा हालिया बारिशों के बाद अब एक लॉन्ग टर्म प्लान क्या बनना चाहिए सवात के लिए? इस तरह जी ऑलरेडी आप अगर देखें तो 2010 और उसके बाद 2013 का जो फ्लड था उसमें बहुत ज्यादा डैमेजेस हुए थे, स्पेशली स्वात के अंदर बहुत ज्यादा, हमारे चूंकि 160 किलोमीटर हमारे रिवर की लेंथ है और ज्यादातर आबादी ट्रेडिशनली पिछले हंड्रेड ऑफ ईयर से इन्हीं दो बैंक्स ऑफ रिवर्स पे, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक पे थी। लेकिन 2010 के बाद, फिर उसके बाद पिछले 4 साल में रिवर के ऊपर बहुत ज्यादा इरिगेशन डिपार्टमेंट और बाकी महकमों की तरफ से प्रोटेक्शन वर्क किया गया था। ये उसी प्रोटेक्शन वर्क का नतीजा है कि इस दफा बजाय बावजूद इसके कि बहुत हाई लेवल फ्लड यहाँ से गुजरा है, ख्वाजाखेला से तकरीबन 61,000 क्यूसिक पानी जो है गुजरा है और फिजागढ़ से 82,000 क्यूसिक पानी गुजरा है। इतने हाई सुपर हाई फ्लड के बावजूद हमारे जो डैमेजेस थे अगर आप प्रीवियस ईयर के मुकाबले में देखें तो बहुत ही कम थे। जो हमारे 53 हाउसेस जो डैमेज हुए हैं उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस थे वो एक पहाड़ के ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुए और लाइटिंग हुई जिसकी वजह से वहां से पानी तोदे गिरे और उसके साथ पानी आया जिसने मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस को डैमेज किया, बाकी और इसी तरह कुछ पुलों को भी डैमेज किया। तो अगर आप कंपैरेटिवली पिछले 5-6 सालों में देखें तो इस दफा प्रोटेक्शन वर्क की वजह से कि सारे वल्नरेबल टाउन्स और विलेजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन वर्क बनाया गया था इसलिए डैमेज बहुत मिनिमम हुआ है जी। सही, रसाई और एक्सेस के मामले में क्या कहेंगे साकिब साहब? इस वक्त आपके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस की मूवमेंट, उनको जो मुतासरा इलाके हैं, मुतासरा कम्युनिटीज़ हैं, उन तक पहुंचाना कदरे आसान रहा, और इसका अगर सहरा आप किसके सर पे बांधेंगे? देखें नहीं, कम्युनिकेशन नेटवर्क तो पिछले 5 साल में स्वात में बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। हमारा मेन कलाम रोड जो अपर स्वात सारे और भीर को कांटेक्ट करता है वो सारा का सारा बन गया, मालम जब्बा रोड बन गया। इसी कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से विद इन 12 आवर्स चूंकि मशीनरी वहां पहुंच गई थी, हमने तमाम के तमाम रोड जो है, एक्सेस रोड जो है, विद इन 12 आवर्स वो जो हमने खोल दिए थे। इसी तरह जो पुल टूटे हैं उनके बाईपास भी विद इन 24 आवर्स बन चुके थे। इस वक्त स्वात का कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जिसको लैंडलॉक आ जाए या जो बांधो। इसी तरह इसी कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से हमें ये फैसिलिटेशन हुई कि हमने विद इन 4-5 आवर तमाम के तमाम टूरिस्ट को बड़े आराम से वहां से विक्ट करवा लिया कि खतरा था कि अगर कोई और पुल टूट गया तो ये वहां स्टैंडर्ड ना हो जाए। और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की जिस हद तक आप बात कर रही हैं तो विद इन 12 आवर्स हमने 80% इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो गई थी और आज 100% इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो गई है। जो लोग इंजर्ड या डेथ हो गई थी, जैसे आपने खुद इशारा दिया 2010 का और उससे पहले भी जो मुख्तलिफ कुदरती आफात थी, आप क्या समझते हैं हमने इन एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा है? हैव वी, हमारा जो तर्ज तामीर है वहाँ पे और दूसरा हमारा आउटलुक है वो बदला है? क्या हमने अपने घरों को मुख्तलिफ तौर पर अब तामीर करना शुरू किया है? और आपने जिस तरह एक्सेस की भी बात की, रोड नेटवर्क को डिवेलप किया गया है, मकामी कम्यूनिटी में क्या विजडम आई है इसकी वजह से? अनफॉर्चुनेटली जी उसमें हमने कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की जी। इस तरह कि अभी भी हम जो रिवर के जो बैंक्स हैं उनके ऊपर हमने एक एक्ट भी पास किया हुआ है, उसके बावजूद हम एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर ट्रेडिशनली बैंक्स ऑफ रिवर के ऊपर बड़ी कंस्ट्रक्शंस कर देते हैं जिसका नतीजा ये निकलता है कि जिस वक्त इस किस्म का कोई हालात आते हैं तो फिर बड़ा जानी नुकसान हो जाता है। साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हम चाहेंगे कि लोगों की अपनी आगही और उनका शारे में बेदार हो कि इस तरह के जब लॉज बनाए जाते हैं एंटी इंक्रोचमेंट, ये आपकी अपनी ही सेफ्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। और सवात से लेके कराची तक मसला यही इंक्रोचमेंट्स का, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि तमाम कायदीन बड़ी जमातों के साथ मिलकर बैठ रहे हैं और देखना ये है कि नतीजा क्या निकलता है कराची के लिए। ये डिस्कशन हम शुरू करेंगे 10 बजे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए एंड डू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर द फ्यूचर ऑफ कराची।
तरह के मैंने आपको बताया कि कोविड के बाद पहला सफ़र जितना डराया गया था उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बहरहाल जी SOPs को फॉलो करें, ना सिर्फ इस वक्त जब आप ट्रैवल कर रहे हों बल्कि अपने घरों में भी। कोरोना का जोर कम हुआ है, लेकिन अगर हम अपने आस पड़ोस के ममालिक की तरफ देखते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा सरकशी के साथ ये मर्ज़ आगे बढ़ रहा है। दिन में 80-90 हज़ार लोग रिपोर्ट किए जा रहे हैं सिर्फ अगर भारत की बात की जाए। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। बट कमिंग बैक टू द डिज़ास्टर्स, यहाँ हम देखते हैं कि कोरोना पे तो हमने काबू पाया, लेकिन जो मानसून की बारिशों का स्पेल है उसने पूरे मुल्क में तबाही मचाई है। KPK के बारे में हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, पंजाब में भी हम देख सकते हैं कई जगह कई अजला में इसकी की वजह से कई मुश्किल आई हैं, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें मरकूज हैं सिंध की तरफ। सिंध में कई अजला जिसमें कराची समेत को आफत ज़दा करार दिया गया है। रिलीफ कमिश्नर के हवाले से भी जो पेशरफ्त हुई है हमने आपको उससे आगाह किया, लेकिन आज बात करना चाहेंगे कि तमाम पॉलिटिकल जमातों का जिनका सिंध में कराची में स्टेक मौजूद है वो सर जोड़कर बैठ रही हैं किसी हल के लिए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का भी विज़िट मुतवक्के है, और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कराची में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कई फ्रंट्स पे इस वक्त जवाबदेही भी करनी पड़ रही है, तनकीद का भी सामना है, और उनकी कारकर्दगी भी अच्छी रही है। लाइक हम अगर देखते हैं, ठीक है, जो मनाजर अपने अपनी स्क्रीन्स पे देखे, मैं जब यहाँ इस्लामाबाद आई हूँ तो कई लोगों ने मुझसे बार बार पूछा कि जी कराची में तो बहुत बुरे हालात हैं। एक तसव्वुर जो कराची के बारे में है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है इन एनी केस, तो जो सूरत हाल आप देखते हैं वो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है, वो हमारी स्क्रीन्स पर वाकई हमें वो इलाके भी नज़र आते हैं जो ज़ेरे आब आए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी तरफ काम करना, कोई अमली तौर पर कोई प्लान बनाना, उसमें कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे एंगल्स बन जाते हैं विच ऑफ कोर्स वी नीड टू वर्क ऑन। हमारे साथ इस वक्त शामिल गुफ्तगु हैं जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक़ है, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फ़ारूकी साहिबा। तो इनसे गुफ्तगु का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि विफाक ने जो वादे 2-2.5 साल पहले इस हुकूमत की भागदौड़ संभालते वक्त किए थे, अब शायद उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। क्या कराची वाले, सिंध वाले कोई उम्मीद लगाएं? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखिए वजीर आजम साहब से तो भी खास तो नहीं आता, बिलखसूस COVID-19 के इस पूरे मामले को देखा गया है प्राइम मिनिस्टर के साथ की तरफ से। आई थिंक दैट वॉज वेरी वेरी डिसमिल, और कोई कुछ भी कहे लेकिन सबसे अहम चीज तो ये है कि अगर सुबह खुद ये फैसला ना करते 18वीं तरमीम के तहत कि उन्होंने लॉकडाउन करना है, तो शायद इस मुल्क में ना जाने इन्फेक्शन रेट की क्या शरह होती और अमवात की क्या शरह होती। लेकिन अगर आप इस मुल्क में एक आम आदमी से पूछें, और आपका ताल्लुक मीडिया से, आप मीडिया इंडस्ट्री का हाल पूछें, किसी इंडस्ट्री का भी हाल पूछें, तो आपको यही नजर आएगा कि हर इंडस्ट्री जो है वो बदहाल है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसमें कोई उम्मीद नजर आ रही हो या कोई तरक्की का कोई अंसर नजर आ रहा हो। एवरी इंडस्ट्री इज इन क्राइसिस। अब आपने कराची, लेकिन शर्मिला जी माशी हब है ना कराची, तो जी बिल्कुल कराची पैकेज का जिक्र करने से पहले एक छोटी सी चीज़ पे आपकी राय में जानना चाहूँगी। एक बड़ी तनकीद आती है कि तमाम ही सूबों में अगर मेट्रो बसेस की बात की जाए, आप लॉजिस्टिक्स की बात करें, मास ट्रांजिट की बात करें, मास ट्रैवल की बात की जाए, उसके लिए कहा जाता है कि सूबाई हुकूमतों ने खुद काविशें करके उनको लगाया है, उनको फ़ाल बनाया है। सिंध में ऐसा क्यों नहीं हो सका? देखिए इसके दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि तमाम सूबों ने अपने तहत जो है वो इसकी फंडिंग नहीं करी है। अगर आप पेशावर BRT की बात ले लें, एक तो वो दुनिया की महंगी तरीन बस सर्विस है, ऑलमोस्ट $22 मिलियन पर किलोमीटर, दुनिया की महंगी तरीन, ये इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरी चीज़ ये है कि वो 78% जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसको फंड किया है, उसमें भी बीच के अंदर कुछ इश्यूज आ गए थे। अच्छा, इसी तरीके से आप जब बात करती सिंध की, तो कराची में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, ये मियां साहब के दौर के अंदर शुरू हुआ था और ये टोटली फेडरल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है, वो आज तक ताखीर का शिकार है। जब वजीर आजम आए इमरान खान साहब, तो उन्होंने इसको टेक ओवर किया,
और ये कहा कि जी हम तो इसे खुद एग्जीक्यूट करेंगे, हुकूमत सिंध के जरिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तो चोर है। हुआ ये कि इन्होंने बनाया कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी लिमिटेड, और उसके तहत अब इन्होंने बजट में तो इसकी यूटिलाइजेशन दिखा दी है लेकिन ऑन ग्राउंड आपको कुछ नजर नहीं आता। अब इसी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट से मुंसलिक हमारी ऑरेंज लाइन भी और हमारी ब्लू लाइन भी है, ये कंप्लीट होगा तो वो दूसरे जो है वो शुरू होंगे, वरना उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मफलूज हुआ हुआ है, वो ग्रीन लाइन की तरफ देख रहा है, जब तक वो मुकम्मल नहीं होती मामला आगे नहीं बढ़ पाते। इश्ताक साहब जी जी, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट होते हैं ना वो इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंट, हाँ वो या तो शराकतदारी होती है या वो टोटली फंडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट होते हैं, और हमारी जो 70% रिसोर्स है तो देखना ये है कि फ्राइडे को जब वजीर आजम साहब की विजिट है तो क्या इस पे कोई पेशरफ्त हो पाएगी। इश्ताक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN रिवायती तौर पे इनका एक बिजनेस आउटलुक रहा है, शर्मिला ने भी इसकी तरफ इशारा दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हम हमेशा देखते हैं कि सरकारी इदारों में मजीद मुलाजमतें निकल आती हैं और काफ़ी कुछ सिलेक्टेड जो हमारी इंडस्ट्री होती है उनको मराद भी मिलती है। इख्तियार बेग साहब ने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई थी जरदारी साहब के टेन्योर में, और ऑफ कोर्स एक बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट समझा जाता है PMLN को, आपका खुद भी ताल्लुक PMLN से भी है, बिजनेस कम्युनिटी से भी है, PTI की बिजनेस आउटलुक को आप कैसे देखते हैं, किस तरह ये मुल्क की इकोनॉमी और खास तौर पर जो की इंडस्ट्रीज हैं हमारी, जो की प्लेयर्स हैं, उनके साथ कैसे रवाबित बनाए हुए हैं, उनको क्या मराद और सपोर्ट दिए हुए हैं इन द लास्ट टू ईयर्स? थैंक यू वेरी मच सदरा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बीइंग अ कराची, मैं भी और कराची आइट्स भी इंडेटेड हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज शरीफ साहब के, कि उनके दो बहुत बड़े फेवर हैं कराची के ऊपर। एक अमनो अमान जो था वो कराची के अंदर लेके आए हैं, और इसका मैं पूरा क्रेडिट जो है वो नून को दूंगा, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी भी थी, उससे पहले मुशर्रफ साहब भी थे, और उससे पहले तमाम हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया था, बिकॉज देन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और फिर आपने देखा, दूसरी बात कराची की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि 12-12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जा रही थी, और आप लोगों ने फिर देखा जब नून की हुकूमत गई उस वक्त तक 12,000 मेगावाट आई थी, और उसके बाद चीजें जो हैं कराची के अंदर, मैं जिस इलाके में रहता हूँ जिसको हम पॉश एरिया कहते हैं, 5 days आई वाज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड देर वॉज ए वाटर, पूछ लो, देर वॉज नो वाटर, देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, देर वॉज नो इंटरनेट, देर वॉज नो टेलीविजन, देर वॉज नो टेलीफोन सर्विसेज। हम टैक्सेस भी करते हैं, दैट इज द रीजन यू सॉ कि लोग सड़कों पे आके, और फिर उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड में जो किया और DHA को जो बुरा भला था, बिकॉज देर इज अ लिमिट फॉर कराची के लिए, किसी ने कुछ नहीं किया पार्टी में, अगर किसी ने कुछ किया है तो नून ने कि दो तोहफे दिए हैं कराची को, जो मेरे ख्याल से कराची आई समझता है इसको याद रखेंगे। देखिए, हमेशा लॉलीपॉप दे दी जाती है कराची वालों को, कराची वाले, अब तो ये हालत हो गई है कि हमें लाहौर इस्लामाबाद से लोग फोन करके हमसे तरस पाते हैं, यानी कि अब हमसे हम दलियां करते हैं कि यार हमें बड़ा अफसोस है आपके पास ये हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं, अब तो इंतहा हो गई है। मतलब देखिए, 2,000 बसें आ रही थी, फिर 500 बसें हुई, फिर 400 हुई हैं, फिर 20 हुई हैं, हमने अभी तक कोई चीज नहीं हुई है ऑन ग्राउंड के ऊपर, मतलब हो रहा है। और अब जो है इस वक्त जो सूरत हाल है काफी अबतर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, मिलके अगर कहा जाए कि सिंध के कई अजला, कराची के कई इलाके जेरे आप भी आए, मुश्किलात का सामना रहा, अर्बन फ्लडिंग जिसको हम कहते हैं। शर्मिला जी, एक क्विक क्वेश्चन बिफोर आई टेक अ ब्रेक, आपने यहाँ पे इशारा दिया कि किस तरह ADP ने और मुख्तलिफ दूसरी डेवलपमेंट एजेंसीज़ ने मदद की KP और पंजाब हुकूमत को कि वो अपनी मेट्रो लाइन्स और चीज़ें लगा सकें, वर्ल्ड बैंक ने भी तो सिंध हुकूमत को सपोर्ट दी थी कि ये बरसाती नालों की सफाई का काम हो चुके, इस पर काफ़ी तनकीद आ रही है, इसकी थोड़ी वजाहत कीजिए कि आपको लगता है कि वो जो वर्ल्ड बैंक का फंड था वो सही तरह से इस्तेमाल हुआ, फिर NDMA भी आया, उसके बावजूद अर्बन फ्लडिंग हुई है कराची और इसके अलावा सिंध के कई जिलों में? सिद्धा देखिए, नालों की सफाई तो एक आंसर है ना इस पूरे मामले का, इससे जो मेजर जो इशू इस वक्त जो आ रहा है वो तजावजात का है।
कराची के अंदर जो मेजर नाले हैं ना उनके ऊपर तजावजात हैं। कुछ हद तक तो हुकूमत इस कामयाब हुई है उन तजावजात को हटाने के लिए, लेकिन अक्सर जगहों पे वो बाकायदा रेजिडेंशियल कॉलोनीज बन चुकी हैं और उनको हटाने का मतलब ये कि आपको उनको मुतबादल जमीन देनी पड़ेगी और मुतबादल जमीन देने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है। तो हमारे हाथ वहां भी बंधे हुए हैं। जिस तरह आपने देखा कि कल कुछ तजावजात हटाए गए गुज्जर नाले में से, लेकिन वो सारे कमर्शियल हैं और दुकानें हैं, लेकिन जो रेजिडेंशियल हैं तो वो जाहिर बात है कि आप उनको उठा के रातों रात बेघर नहीं कर सकते, चाहे वो इलीगल क्यों ना हो। तो ये एक मेजर इशू है। आप इसके ऊपर आगे का क्या लायमल तय करना है, क्या होगा इसके ऊपर, तो इसको प्रायोरिटाइज करके इसको डील करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप पानी का रास्ता साफ नहीं करेंगे तो पानी के रास्ते में जो कुछ आएगा वो उसको बर्बाद करता हुआ निकल जाएगा, ये तो तय है। बिल्कुल, ये बड़ी आपने हमने आज प्रोग्राम की शुरुआत में भी शर्मिला इस हवाले से कहा था कि 10 से 12 लाख घर हैं और आबादी की बात की जाए इन तजावजात पे तकरीबन 50 से 60 लाख शहरी रहते हैं, उनको रिमूव कर पाना उसका एक बाकायदा लायमल बनना पड़ेगा और ये सिंध हुकूमत या कोई भी इदारा या कोई भी एक इदारा इस काम को नहीं कर सकता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। इशाक साहब ने बड़ी अहम बात की और वाकई अगर हम 7 साल पहले देखें कराची के दो बड़े मसाइल, कम्यूनिटी बहुत परेशान थी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाती, उससे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हर चीज़ इंपैक्ट हो रही है, और दूसरी तरफ कराची का लॉ एंड ऑर्डर। क्या सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट पीएमएलएन को देती है या नहीं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात कर रहे हैं कराची के मसले के ऊपर और तमाम बड़ी जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो क्या लायअमल लेके आ रही हैं, उनका आउटलुक और विजन कराची के लिए क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है। अब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर जनाब अली जैदी साहब और शर्मिला फारूकी साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली जैदी साहब, थोड़ी देर पहले हम इश्तियाक बेग साहब से भी बात कर रहे थे, पीएमएलएन इस बात का क्रेडिट लेती है कि अपने 5 साल दौरे हुकूमत में वफाकी हुकूमत में उन्होंने कराची को बिजली की फराहमी यकीनी बनाई यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के लिए, और जो सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी का था उसको हल किया, अमन व अमान को बहाल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट देती है नहीं पीएमएलएन को? बड़ा सवाल आपके लिए यह है कि अपनी दो थाला वफाकी हुकूमत में पीटीआई क्या समझती है कि उसने कराची को क्या दिया? देखिए, पहले तो आपके पहले दो कमेंट्स की मैं जवाब दे दूं। पीएमएलएन क्रेडिट लेती है बिजली देने की, तो अगर कराची में लोड शेडिंग खत्म हो गई है और कभी हुई नहीं है और वहाँ के इलेक्ट्रिक का बिल्कुल हिसाब किताब ठीक है, तो सारा क्रेडिट जो भी आज है, जो भी हाल है ना कराची इलेक्ट्रिक का और इलेक्ट्रिक्यूशन जो हो रहे हैं लोग मर, सब क्रेडिट पीएमएलएन को दे दें, मैं बड़ी खुशी खुशी उनको दे दूंगा। उसके बाद जो कराची में आज हाल है, बारिशों के बाद जो तबाही है, जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर के डिप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कराची के अंदर कचरा नहीं उठता, माने हम दिस इज 2020, यहाँ दुनिया बातें कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और रोबोटिक्स की, और हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, सारे स्टेक होल्डर सर जोड़ के क्यों बैठ रहे हैं और क्या डिस्कस कर रहे हैं, कचरा कैसे उठाया जाए। मतलब खुदा के वास्ते इस वक्त कोई क्रेडिट लेने जाएगा वो कोई भी क्रेडिट ना ले, कोई क्रेडिट नहीं ले इस वक्त। मैं तो अपनी जमात को भी कह रहा हूँ, हमें 2 साल हो गए ना हुकूमत में आए हुए, हमें कराची के लोगों ने 14 सीटें दी हैं, हमारे पास वहां अथॉरिटी जो लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज है उस पर अथॉरिटी हमारी नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल इज नॉट अंडर फेडरल गवर्नमेंट, कराची वाटर एंड सुएज बोर्ड, ये भी एक तमाशा है, वाटर एंड सुवेज, पोर्टेबल वाटर एंड सुवेज की एक ही अथॉरिटी है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हमारी एक कमेटी बनी है, हम उसमें सीएम साहब भी बैठते हैं, इनके दो बड़े वजीर भी बैठते हैं, असद उमर साहब यहाँ से, माई सेल्फ एंड वो अमीन उल हक साहब एमक्यूएम के, हम बैठ के स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कराची के इशूज जो भी लैकिंग है जो फेडरल गवर्नमेंट मदद कर सके वो उनकी मदद करने के लिए वो कमेटी बनी है। आपको देर हुई है इस मामले में, 2 साल गुजर जाने के बाद अब सर जोड़कर बैठ रहे हैं, आधा टर्म लगभग आपका गुजर चुका है, आपको लगता है देर हो गई है? मैं आपको दो बातें इसमें दो जवाब देता हूँ। एक, मैं आप मुझे
आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया है फेडरल मिनिस्टर, तो मेरा जो एक राय है वो गवर्नमेंट की राय है, हुकूमत की राय है। मैं जो हुकूमत की पोजीशन है और जो कलेक्टिव विजडम की पोजीशन है, जो कलेक्टिव विजडम से ये फैसला हुआ है ना, उसमें ये है और मैं इसमें हूँ शामिल। सो आई टेक ओनरशिप और वो बैठेंगे और जो भी कई मीटिंग्स हमारी हुई है बैठ के, और जो भी फैसले करने वो हम करेंगे। लास्ट ईयर मैं फेडरल मिनिस्टर लास्ट ईयर भी था, आपके शो में आके मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई थी। मुझे बता दें कि 160 एमएम की बारिश में ये तबाही क्यों नहीं, ये अनप्रेसिडेंटेड रेन है इस साल जो हुई है। मैं इसमें ये मैं नहीं कहता कि ये रेन ये जो बारिश हुई थी कोई नॉर्मल बारिश थी, अंधाधुन तबाही बारिश थी, अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद जो हुआ ये दुनिया भर में ऐसे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ जो आज तक होता आ रहा है वो एक अलग बहस है। लेकिन मैं लास्ट ईयर आया था ना, और मैंने लास्ट ईयर पब्लिक से सॉरी प्राइवेट एंटरप्राइज से पैसे इकट्ठे करके तो FWO को दिए थे और नाले हमने साफ कर दिए और पानी बह गया था। थोड़ी सी वो थोड़ी सी मैंने आई गेस प्लानिंग थोड़ी सी पहले कर ली थी। उसके बाद भी कुछ इलाके जो थे वो जेरे आप आए थे, इसलिए कि वो हम इतने दिन में हम 39 डेज तक हम वो काम करते रहे, ठीक हो गया जी, और कम अज कम ये हुआ कि वो डूबे नहीं लोग। उसके बाद से हम समझे कि इन्होंने शुरू की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, तो मैं फिर पीछे आके मेरा काम तो नहीं है, मैं तो अपने इलाके में शुरू हुआ था और सारे शहर में फैल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और प्लस पोर्ट के अंदर सारा कचरा आता है 5-6 हजार टन आपने देखी। लेकिन मैं इसको बड़ा पॉजिटिव एक नोशन ले रही हूँ अली, जो आपने कहा अभी कि अनप्रेसिडेंटेड बारिश थी, क्योंकि ऐसा लगता है यानी जो हमारा पॉपुलर ओपिनियन है और ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम्स मैंने देखा है कि इस्लामाबाद और लाहौर से हालात हाजरा पे होते हैं, उसमें तो लगता है कि सारी चीज़ों का मौरूद इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बनाया जाता है। शर्मिला जी देख लें, ये पॉजिटिव बात है, जिस तरह एक मेरे ख्याल में इन्वायरमेंट तो बन रहा है। क्वेश्चन जो कोई भी हुकूमत होती सिंध में, आज पीपल्स पार्टी की है कल हमारी हो जो भी हो, प्रेपरेशन क्या थी? या तो ये हो ना कि ब्रांड न्यू हुकूमत हो, लेकिन ये तो 12 साल या इससे भी ज्यादा प्रेपरेशन जो है वो वीक है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं शर्मिला, हमारी बड़ी जी बहन है, दोस्त है पुरानी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये कि ये जो मीडिया की कवरेज है ना वो कराची की हद तक महदूद है, और मीडिया की पेनिट्रेशन इंटीरियर के अंदर नहीं है जिस तरह के कराची में है या पंजाब में, जिस तरह के लाहौर में है, वो पेनिट्रेशन अंदरून पंजाब या अंदरून सिंध नहीं है। आप अगर बदीन भी चले जाए वहां हाल देखें, आप मीरपुर खास चले जाएं वहां हाल देखें, ये बारिश सिर्फ कराची में नहीं हुई, ये पूरे सदर सिंध में हुई है। चले ये सवाल मैं शर्मिला की तरफ ले जाती हूँ। शर्मिला जी क्या कहेंगी बार बार, देखिए आई एम सॉलमली अगेंस्ट इट, मैं अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि जी एक किसी जमात को स्केप गोटिंग आप उस पर नहीं कर सकते कि सारा का सारा जिम्मा उसका था, सारी की सारी गलती उसकी थी। लेकिन बहरहाल जी लोग सवाल तो करते, 12 साल सिंध में आपको हुकूमत मिली, कराची के बाहर भी कोई ऐसा मॉडल सिटी या हम टाउन या डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सकते जिसके हम कहें कि जी हमने मसाइल हल कर लिए हैं। डू यू नॉट फील कि दैट हैज़ बिन अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए सिद्रा, दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई, और अनप्रेसिडेंटेड बारिश तो कराची में तो खैर हुई, 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन इसके अलावा पूरे मुल्क में भी शदीद बारिश हुई है। मैंने तो लाहौर को भी डूबे हुए देखा है, मैंने तो मालकगंज का भी जो हाल जो तस्वीरें सामने आ रही है मतलब तकलीफ दे हैं। तो इस किस्म की बारिश के लिए तो कोई भी तैयार नहीं हो सकता, कोई भी प्रिपेयरनेस नहीं हो सकती। ये तो कल आपने आर्मी चीफ का स्टेटमेंट सुना है कि ये जो बारिश हुई है कराची के अंदर, इसके लिए तो कोई भी शहर कराची का तैयार नहीं था। एंड इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इट्स कमिंग फ्रॉम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दूसरी अहम चीज ये है कि मैं अली भाई की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए जो मीडिया की जो एक फोकस रहता है ना हमेशा कराची पे रहता है, जरा सा कराची से बाहर निकल के जरा लाहौर, जरा क्वेटा, पेशावर, इन जगहों पर भी दिखाएं, वहां पर भी बेतहाशा तबाही है, लोगों की अमवात हुई है बहुत। लेकिन अफकोर्स कराची पे फोकस रहता है, कराची पे पॉलिटिक्स सब करते हैं। अब दो चीजें हैं, एक चीज तो ये देखें फेडरल गवर्नमेंट किस तरीके से मदद कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट के पास आज भी 25% शेयर के इलेक्ट्रिक के हैं। क्या नेपरा ने पिछले 6 दिनों में कोई बात पुश करी के इलेक्ट्रिक की, कोई मदद करी, किसी ने पूछा? बल्कि अली भाई ने उस दिन ट्वीट किया था तो ये खुद इनके घर में 4-5 दिन लाइट नहीं थी,
इन्होंने ट्वीट किया, मैंने इनको जवाब दिया, मैंने कहा कोई उमर अयूब तो कीमत और बढ़ा दी गई है, नर्ख और बढ़ गए हैं, महंगी तरीन बिजली हो गई है। आई वॉज कमिंग टू दैट कि आप देखिए कि इंस्टेड के आप उनकी बात पुश करते, कोई फाइन लगाते, बिकॉज एज पर GS-1 सबरू 3 स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के तहत इनको 10 घंटे से ज्यादा ये अर्बन सिटीज की लाइट बंद ही नहीं कर सकते। इन्होंने 6-6 दिन लाइटें बंद रखी हैं, लेकिन आपने क्या किया, कलेक्टर साथ ये रापता कमेटी बैठ के इनके एक रुपए बढ़ा दिया पैसे नेपरा ने इनका। और उसके अलावा शर्मिला जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कई जगह हमने KE का देखा, मैंने हम यू नो बिजली फराम कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी इतना खड़ा हुआ है कि पूरी पूरी बिल्डिंग्स का, इलाकों का इलेक्ट्रिक्यूट होने का खतरा लाहक था। अब वो एक अलग बहस हो जाएगी कि उस जगह से पानी क्यों नहीं निकाला जा रहा। और फिर सिर्फ और सिर्फ मसला पानी का नहीं था, कराची भर में जो हमने गर्दिश करता हुआ सर्कुलेट होता हुआ पानी देखा, उसमें बहुत सारा कचरा और वेस्ट शामिल था, जिसके लिए हमारे पास बहरहाल एक बेहतर प्लान होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, दोबारा जी सवाल करेंगे। वफाकी हुकूमत ने कहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरे मसाइल अपनी जगह, लेकिन ग्रीन लाइन का मसला, उस पर अली साहब का क्या मौकफ होगा, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शर्मिला फारूकी जी और अली जैदी साहब से। अब हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तज़िया कार जनाब मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगु यही हो रही थी कि किस हुकूमत से क्या तवक्को लगाई जाए, किस चीज़ का क्रेडिट ले सकते हैं। बात हमने शुरू की जी PMLN से, उनका मानना यह है कराची का अमनो अमान बहाल किया गया और PMLN के दौरे हुकूमत में यहाँ पे हम देखते हैं कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आई। और अब हम एक अपने आप को एक ऐसी डिज़ास्टर में देखते हैं जिसके लिए बड़ी मीटिंग्स एक्सपेक्ट की जा रही हैं आज और कल। आपकी क्या तवक्को आते हैं इनसे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे दोनों जो गेस्ट हैं दूसरे भी, उनका ताल्लुक भी कराची से ही है और हम जनरल पॉलिटिक्स पे भी बात कर सकते हैं और कराची पे भी पर्टिकुलरली बात कर सकते हैं। कराची इसलिए मुख्तलिफ है और कराची की बात इसलिए ज़्यादा होती है कि कोई और शहर नहीं है जिसको हम माशी हब कहते हैं, कोई और शहर नहीं है जो विफाक को 70% रेवेन्यू देता है, कोई और शहर नहीं है जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। इसलिए कराची पे फोकस ज़्यादा होता है कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची रुक जाता है तो पाकिस्तान रुक जाता है। इसलिए कराची की डेवलपमेंट, कराची में एक कंसेंसस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप अपनी मईशत को आगे बढ़ा नहीं सकते अगर कराची में अफरा तफरी हो, कराची टूटा फूटा हो, हर जगह जो है वो नफ़रतें हों, मोहब्बतें ना हों, इसलिए कराची आगे बढ़ेगा। मतलब अनफॉर्चुनेट बात है कि पिछली चार दहाइयों से हम ये देखते हैं कि ये बात करना भी कहीं ना कहीं ये मिसकंस्ट्रू हो जाती है। यानी अगर आप कहें ना कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, ये बात थियोरेटिकली बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात फाइनेंशियली बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस बात को कहना लोग इसको समझते हैं कि कोई नस्ल परस्ती की बात की जा रही है, कोई गलत बात की जा रही है, कोई कराची को तोड़ने की बात की जा रही है, ये हम क्यों इसके साथ नोशंस अटैच कर चुके हैं? ये हमारी जो सियासी तंग नजरी है ना, ये उसकी निशानदेही करती है। इसलिए कि कराची सिर्फ एक जबान बोलने वालों का शहर नहीं है, कराची कराची पश्तूनों की सबसे बड़ी आबादी कराची में रहती है, कराची में लाखों मुख्तलिफ जबान बोलने वाले रहते हैं, कराची 2.5-3 करोड़ लोगों का शहर है और 2.5-3 करोड़ लोगों को अगर आप देखें तो वो मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले हैं, मुख्तलिफ सकाफत से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ उनके रहन सहन मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ क्लासेस हैं, उसमें ये सब मिलकर कराची बनता है। और इसलिए कराची को उसी अंदाज में देखना चाहिए। देखिए हमारा बुनियादी मसला, ये दो बड़ी जमातें हैं और इसमें अगर आप नून लीग को भी शामिल कर लें, ANP को भी शामिल कर लें, दुनिया में ये अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहती हैं, दावा करती हैं कि इन्होंने मुल्क में जमहूरी जद्दोजहद में हिस्सा लिया और लिया भी होगा, लेकिन जब हम मकामी हुकूमतों की बात करते हैं, ये सब के सब जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं, कोई बल्दियाती इलेक्शंस की बात नहीं करता। इनका सियासी जमातों का ट्रैक रिकॉर्ड बदकिस्मती से बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से बहुत ही पुअर रहा है।
तो आप बल्दियाती इदारे जो नर्सरी होते हैं सियासत की, जो जमहूरियत की नर्सरी होते हैं, अगर उन्हीं को कमज़ोर रखेंगे तो पाकिस्तान में ना जमहूरियत मजबूत होगी ना सियासत मजबूत होगी। इसलिए बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार करने की बात करते हैं, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार करने की, कराची को एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, कराची को मेयर के अंडर करने की, एक अम्ब्रेला के तहत लाने की जब बात की जाती है तो इसमें कहीं एथनिक सोच नहीं है। इसमें बुनियादी तौर पे इन पार्टियों के अपने मंशूर में ये लिखा हुआ है, 18वीं तरमीम में ये लिखा हुआ है कि मकामी हुकूमतों को आप एम्पावर करेंगे तो गवर्नमेंट एम्पावर हो। मजे साहब, लेकिन गुफ्तगू को मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि जब आमराना दौर से हम गुजरे तो लोगों ने कहा कि लोगों का जमहूरी हक सल्ब किया हुआ है, अब हम ये तीसरी जमहूरी हुकूमत देख रहे हैं और जमहूरियत का तो मतलब है कि एक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम होता है, आप परफॉर्म नहीं करेंगे, जिन नुमाइंदगान को हम वोट देकर ओहदों पर पहुँचाते हैं अगर वो हमारे मसाइल को हल नहीं करेंगे तो वो अगली दफ़ा वोट लेने के लिए वोट नहीं ले पाएंगे, आवाम उनको रिजेक्ट कर देगी। सिंध में एक अजीब सूरत हाल हम देखते हैं कि तीसरी दफ़ा एक तरफ एक आम तासर एटलीस्ट हमारे मास मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, MQM ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, ANP ने परफॉर्म नहीं किया, जो स्टेक होल्डर जमाते थी उन्होंने कराची को और सिंध को इग्नोर किया, उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही। फिर आप क्या वजह देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस की बात आती है दोबारा वोट इन्हीं जमातों को मिल जाते हैं? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि इन्हीं जमातों को वोट मिलता है। पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत ताकतवर जमात थी, पंजाब से वाइप आउट हो गई जी। खैबर पख्तूनख्वा में ANP बड़ी मजबूत जमात थी, वाइप आउट हो गई। कराची में MQM बहुत मजबूत जमात थी, कट टू साइज हो गई। देखिए, बाकी मांदा सिंध में पीपल्स पार्टी इसलिए ज़्यादा मजबूत रहती है और इसलिए बार बार उनको वोट पड़ता है क्योंकि कोई दूसरी सियासी जमातें अंदरून सिंध जाके सियासत करती ही नहीं है। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, और ये सवाल मैंने कल शहबाज शरीफ से कहा था कि क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून को बने इतने साल हो गए हैं लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि सिंध के अंदर आपके सारा फोकस आपका एक शहर पर रह जाता है। और यही PTI तो मजे साहब, इस पे लोग कभी कभार ये भी कहते हैं कि कोई अनडॉक्यूमेंटेड अंडरस्टैंडिंग भी है क्या? PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान आप कोई अंडरस्टैंडिंग देखते हैं जिसमें कोई इलाके बांट लिए गए हैं? अब देखें, लगता तो ऐसे है कि गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपनी मसरूफियत को, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट थी उसको काफ़ी महदूद कर दिया है। PMLN तो पहले ही सिंध की तरफ नहीं देखती थी, तो आपको लगता है कुछ अनसेड रूल से बन गए? देखिए, अगर अनसेट रूल्स बन गए तो तहरीक इंसाफ को तो किसी ने नहीं रोका। तहरीक इंसाफ तो इन रूल्स का हिस्सा नहीं थी ना। तहरीक इंसाफ को सियासत करते 22-24 साल हो गए ना। मुझे बताएं उनकी अंदरूनी सिंध परफॉर्मेंस क्या है, कितना जाके ये कभी मुस्लिम लीग नून फंक्शनल मुस्लिम लीग के थ्रू सिंध में सियासत कर रही है, कभी आप GDA के थ्रू सिंध में। भाई आप एक पाकिस्तान की कौमी सियासी जमात हैं, आप जाके अंदरून सिंध जो पीपल्स पार्टी की नाकामियां हैं, खामियां हैं, उसको उजागर क्यों नहीं करते? अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की मजहबी जमातें क्यों सुकड़ कर रह गई हैं? क्यों सियासी तो किसने रोका है सिंध में जाके सियासत? मैं नहीं समझता, हो सकता है कि अब मुझे बताइए मजे साहब, ये मेरा आखिरी सवाल भी आपसे होगा। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इस वक्त की सूरत हाल तो यही है कि शायद लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट नहीं है, शायद अंदरून सिंध जाके सियासत करना इतना आसान नहीं है, इतना ग्लैमरस नहीं है, इतना फौरी नतज देने वाला नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस वक्त एक वेकअप कॉल है तमाम जमातों के लिए और अब वो इसकी तरफ नज़रसानी करेंगे या मामला जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, मुझे उम्मीद कम है लेकिन तरीका यही है। आप कोई हमने देखा है, मैंने पिछले 40 साल में ये चीज़ें देखी हैं। कभी आप गवर्नर रूल लाके सिंध में नाफिज कर देते हैं, कभी आप एंटी पीपल्स पार्टी पार्टीज का अलायंस बना के पीपल्स पार्टी को ओवरथ्रो कर देते हैं। जब तक आप सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को सिंध में जाके शिकस्त नहीं देंगे, मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं निकलेगा। डिवाइडेड सिंध जो है वो किसी के हक में नहीं है, ना सिंध के हक में है और ये पीपल्स पार्टी की भी सोचने का है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के वाकई आप कह रहे हैं कि ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी और तमाम जमातों के लिए भी है कि अब शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। शॉर्टकट्स हमने बहुत देख लिए, कभी गवर्नर राज लगा, कभी